भी है, लेमन भी है, खातुम भी है, सबको मैं
शकल से पहचानता हूं, मैं डायरेक्टली पहचानता हूं। सिर्फ 2-3 लीटर का कमी है, मेवाड़ का कमी है, जितेंद्र बाबू का कमी है, आईपीएफटी का लोगों का कमी है, जिष्णुकर्ता का कमी है, अपना तिपरासा का 5-6 तिपरासा लीडर लोग एक हो जाए। मैं अनुरोध करता हूं कि अगर 5-6 तिपरासा लोग एक हो जाए तो हम लोगों को अपना जो मिशन है ग्रेटर तिपरलैंड का वो मिल सकता है। अगर नहीं हुआ ठीक है, तभी भी आज रामनवमी है, आज पाम संडे है, आज से 1 साल पहले तिपरा मोथा एडीसी जीता, आंचलिक पार्टी जीता एडीसी, और आज रामनवमी है, आज पाम संडे है, आज बहुत ऑस्पिशियस डे है, आज बहुत अच्छा दिन है। इसके लिए नहीं कि हम लोग आज से 1 साल पहले हमने एडीसी कैप्चर किया, इसके लिए क्योंकि जब एडीसी का फाइट शुरू हुआ था, विजय बाबू वो टाइम आप आईएमपीटी में था, जगाई बारी में मेरा भाषण था, उस दिन जब तिपरासा समझा कि बुबाकरा का क्या सेंटिमेंट है अपने दफा के लिए, उस दिन हम लोग ने अपना जर्नी का सच में सच शुरुआत किया था वो जगाई बारी में। उस दिन धोखा दिया गया, उस दिन हमारा रैली को 10 मिनट में कैंसिल करने का कोशिश किया गया प्रशासन ने। उस दिन जगाई बारी में हमारा लोगों को गांव गांव से रोका गया, बोला रेगा काट देगा अगर आप बुबाकरा का रैली में गया। उस दिन बोला गया कि अगर आप तिपरा मोथा के रैली में गया तो आपका चाकरी चला जाएगा, आप खत्म हो जाएगा, आपको पीटा आया। और आज प्रमाण है कि उस दिन के बाद हमारा तिपरा सा ने जवाब दिया और आज तिपरा मोथा एडीसी में है। बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। इतना उम्र नहीं हुआ है बुबाकरा का, यहां से दिखाई पड़ता है अपना रविंद्र बाबू का, ओ वहां में है जूनियर एमडीसी सिवना से एक्स एमएलए, वो यहां डायस में नहीं बैठा है, अपना दफा के साथ ग्राउंड में बैठा है। ऐसा कमिटमेंट होना चाहिए हम लोग का। आज आप दूसरा पार्टी का प्रोग्राम देख लो, मंच में 50 लीडर है, ग्राउंड में 10 सपोर्टर। तिपरा मोथा का रैली देखो, जब बुबाकरा जमीन में बैठने के लिए तैयार है, ये कोई वीआईपी कल्चर नहीं है हमारा डायस में। यहां मैं जोनल चेयरमैन है, एमडीसी है, मेरा इंस्ट्रक्शन सुनो, कोई भी तिपरा मोथा का पार्टी का प्रोग्राम होगा तो वीआईपी लोग ग्राउंड में या यहां में रहेगा, डायस में कोई नेता नहीं रहेगा। आपको भाषण देना है, आप डायस में आके भाषण दो, वापस जाके अपना दफा के संग बैठ जाओ। वीआईपी कल्चर से, वीआईपी कल्चर से कुछ नहीं मिलेगा। इससे पहले हमारा एमडीसी उमा ने भाषण दिया, इससे पहले पूर्णचंद्र ने, हमारा सीएम ने भाषण दिया, विजय रामखोल ने दिया, अनिमेश ने दिया। मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं, ये लोग हम लोग को तिपरासा को, ये लोग सब नहीं लेकिन 2-3 लोग हैं इनको लगता है कि तिपरासा लोग भिखारी है, इनको लगता है कि हम लोग जाकर अगर हाथ फैलाएगा तो थोड़ा सा रुपया दे देगा। ये लोग को लगता है कि तिपरासा लोग कमजोर है, ये लोग को लगता है कि तिपरासा लोग, बुकुंबरा लोग डरपोक है। लेकिन मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं, 2023 में लाओ
अपना पावर लाओ, उपग्रह सामने खड़ा है, लाओ लाओ। मैं इंतजार कर रहा हूं, अगर फाइट करना है तो सालो। मैं इंतजार कर रहा हूं, अगर फाइट करना है तो सामने से फाइट करो, पीछे से छुरी देकर, पीछे से छुरी मारकर आप बुबाग्रा को कमजोर नहीं कर सकता है। मैं आपको बोलना चाहता हूं, पीछे से आप मार रहा है मुझे, शेर को अगर आप जख्मी करता है तो वो जानवर को नहीं, वो इंसान को खाता है। एक एक शेर जो जख्मी है वो ज्यादा डेंजरस है। आपको लगता है कि आप पीछे से ये करके वहां से मार के आप हमको गिरा सकता है? करो करो अनिमेश, उनको बोल दो तुम बुबाग्रा नो सिनी आखो। अरे क्या 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 करना चाहता है हम लोग, क्या करना चाहता है, क्या कुछ नहीं कर सकता। आप लोग हमारा साथ है कि नहीं? हम लोग को बोलता है चिकन, बुबाग्रा को बोलता है जिन्ना, जिसका परिवार ने पूरा त्रिपुरा को, पूरा त्रिपुरा को इंडिया को दिया कंचन प्रभा देवी ने। आज उसका नाती को आप देशद्रोही बोलता है क्योंकि मैंने ग्रेटर त्रिपुरा लैंड का डिमांड किया। अरे ये प्रद्योत माणिक्य देशद्रोही नहीं है, आज भी हिंदुस्तान का तिरंगा लहराकर बॉर्डर में खड़ा होकर, बॉर्डर में खड़ा होकर हिंदुस्तान के बारे, देश के बारे बात कर सकता है। आज आप लोग वैसा लीडर को रखता है जो बिलायत जाकर इंडिया के खिलाफ बात करता है, और आप मुझे बोलता है जब मैं लंदन जाऊंगा मैं इंडिया के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलूंगा, अपने देश के बारे बोलूंगा, अपना त्रिपुरा सा के बारे बोलूंगा, लेकिन देश के खिलाफ नहीं। लेकिन जो देश के खिलाफ बोलता था, जो विदेश जाकर देश के खिलाफ बोलता था, आपने उनको ही सम्मान दिया। और जो देश का तिरंगा लहराकर अपने हाथ में इलीगल इमिग्रेंट्स के खिलाफ लड़ता है, आप उसको देश वो ही बोलता है। आपका पॉलिसी क्या है, आपका पॉलिसी क्या है? आपका पॉलिसी सिर्फ देश के खिलाफ बोलता था, जो विदेश जाकर देश के खिलाफ बोलता था आपने उनको ही सम्मान दिया। और जो देश का तिरंगा लहराकर अपने हाथ में इलीगल इमिग्रेंट्स के खिलाफ लड़ता है, आप उसको देश वो ही बोलता है। आपका पॉलिसी क्या है, आपका पॉलिसी क्या है? आपका पॉलिसी सिर्फ डिवाइड एंड रूल है, डिवाइड एंड रूल। लेकिन त्रिपुरा सा समझ चुका है ये डिवाइड एंड रूल से कुछ नहीं होगा। हमने, ये परिवार ने चर्च बनाया, आज पाम संडे है, मैं चर्च का आदर करता हूं, आज पाम संडे है, आज रामनवमी है, माता बारी सामने है, मंगल चंडी सामने है। ये मंगल चंडी माता बारी त्रिपुरा सुंदरी को किसका परिवार ने 500 साल से रक्षा किया है? मेरे परिवार ने किया है। शुजा का मस्जिद किसने बनाया? त्रिपुरा के महाराजा ने 500 साल पहले बनाया। आज भी उजियंता पैलेस में दो बार नमाज पढ़ा जाता है। बुद्ध मंदिर किसने बनाया? त्रिपुरा के महाराज ने बनाया। आज आप उसी परिवार को गाली बकते हो। पॉलिटिक्स तो आपने किया है, जाति धर्म में आपने त्रिपुरा को डिवाइड किया। हमने कभी त्रिपुरा को डिवाइड नहीं किया। आपने हिंदू मुसलमान को लड़ाया, आपने क्रिश्चियन बुद्धिस्ट को लड़ाया, आपने भाषा के नाम में आपने त्रिपुरा का बंटवारा किया। और आज आप हमको बोलता है कि हम ग्रेटर त्रिपुरा लैंड कोई कम्युनिटी के खिलाफ है?
हमारा त्रिपुरा लैंड में मुसलमान भी सुरक्षित, हमारा त्रिपुरा में त्रिपुरा लैंड में क्रिश्चियन सुरक्षित, हिंदू सुरक्षित, ईसाई सुरक्षित, सब लोग सुरक्षित है, बंगाली सुरक्षित, मणिपुरी सुरक्षित, हिंदुस्तानी सुरक्षित। हमने कभी भी धर्म के नाम में राजनीति ना किया है, ना करेगा। क्या है राजनीति? राजनीति का मतलब है राजा का नीति, वो तो मेरा खून में है। त्रिपुरा में महाराजा के टाइम कभी दंगा नहीं हुआ, आज मेलारमाट में, पानी सागर में, अगरतला में, उदयपुर में दंगा क्यों होता है? क्योंकि आपको वोट चाहिए, आपने त्रिपुरा सा को वोट बैंक बनाया, कहीं में आपने एससी को वोट बैंक बनाया, कहीं में मुसलमान को वोट बैंक बनाया, कहीं में क्रिश्चियन को बनाया, कहीं में बुद्धिस्ट को बनाया, आपने सिर्फ वोट बैंक बनाया। हमने जोड़ने का काम किया था, आपने तोड़ने का काम किया। आज ग्रेटर त्रिपुरा लैंड बोलता है कि होवे ना, बोलता है ग्रेटर त्रिपुरा लैंड होवे ना, तो आप क्या देना चाहता है हमको? मोर पावर। क्या है ये मोर पावर? क्या है ये मोर पावर? लिख के दो, क्या है ये मोर पावर? ओ 2000 करोड़ रुपया देगा। क्या किसमें 2000 करोड़? वो बिल्डिंग बनाएगा, एमएलए लोग, मंत्री लोग, पॉलिटिशियन लोग 10% खाएगा, पॉकेट में बाकी का 1800 करोड़ कॉन्ट्रैक्टर खा लेगा। मेरा 14 लाख तिप्रसा का क्या होगा? उनको कुछ मिलेगा? बिल्डिंग देखकर आपका पेट भरता है? बिल्डिंग देखकर आपको दवाई मिलता है? बिल्डिंग देखकर आपको नौकरी मिलता है? हमको 2000 करोड़ मत दो, 20,000 तिप्रसा को नौकरी दे दो, राइटिंग में 1 साल के अंदर। मोर पावर, राइटिंग में दो, राइटिंग के में दो कि 20,000 तिप्रसा को 1 साल के अंदर आप नौकरी देगा। वो बोलता है डेवलपमेंट, क्या है ये डेवलपमेंट? ये पैकेज किसको जाता है? कॉन्ट्रैक्टर को जाता है और पॉलिटिशियन, हम लोग का जैसा भी पॉलिटिशियन 10% खाकर अपना पॉकेट में रखता है। आपका वोट मुझे नहीं चाहिए, वो 2000 करोड़ राइटिंग में दो आप, ये आप नौकरी दे रहा है 1 साल के अंदर, राइटिंग में दो, देगा नहीं? नहीं देगा। अरे ये लोग आपका वोट लिया है, आपका ये यहां का एमएलए।